आई नो व्हेन आई पिक अप माय इंक एंड माय पेन, जो सुकून मुझे उसमें मिलता है वो मेरी म्यूजिक में भी उस टाइप का सुकून नहीं मिलता, मेरी पेंटिंग में भी उस टाइप का सुकून जो होता है ना नहीं मिलता। द एस्थेटिक कॉम्पोनेंट ऑफ माई राइटिंग रिक्वायर सम काइंड ऑफ इनपुट, समथिंग दैट nourishes the aesthetic quality of my writing and my prose. At that time, I started learning calligraphy. हम ये बना लेंगे जी, ये भी डाउन जी जी, इसमें हम थोड़ा ये ऊपर ले जी, हाँ ये एकदम डाउन है, कैलीग्राफी एक आर्ट है जो अरबों से हिंदुस्तान में आया। जब यह बादशाहों का ज़माना था तो कैलीग्राफी यानी कि खत्ताती या खुशनवसी से कहें तो ये बहुत ही अरूज पे था, क्योंकि जो उस वक्त की हुकूमत थी इस तरह के आर्टिस्टों का बहुत सपोर्ट किया करती थी। अगर आप पुरानी इमारतों में देखेंगे तो वहाँ बहुत ही एक नायाब किस्म की आपको खत्ताती देखने को मिलेगी, जो आप फैर में पड़ जाएंगे देखने के बाद। कैलीग्राफी भी एक एक्सप्रेशन है, शब्दों का प्रयोग करके, अक्षर का प्रयोग करके, चाहे वो अंग्रेज़ी भाषा के अक्षर हैं, चाहे वो हिंदी के हैं, चाहे वो उर्दू के हैं, लेकिन ज़्यादातर कैलीग्राफी का इस्तेमाल किया गया वो कोर्ट लैंग्वेज के तौर पे किया गया। जो पुरानी ट्रीटीज़ बनती थी या कोई कोर्ट के डिक्टेट्स होते थे वो सारे के सारे कैलीग्राफी के रूप में उस समय के लोग उनको रिकॉर्ड किया करते थे और पोस्टेरिटी के लिए संभाल के रखते थे। द मेकिंग ऑफ पेन्स, द ड्राइंग ऑफ लाइंस, द ड्राइंग ऑफ कर्व्स, दैट इंटरनलाइजेशन of an aesthetic practice was something that I felt I needed. फिर यहाँ से नीचे लाते हुए यानी हम ऑप्टिकली यहाँ होंगे जी जी, तो पता चला ये ऐसा एकदम यहीं जी। I also realized that if I took up sketching or painting that would not work because I don't have that kind of relationship. I'm not as drawn to those kind of art forms, nor am I probably going to be any good at them. And as I've found in the last year that, you know, I meet Mr. Siddiqui once every few weeks, maybe 5-6 weeks. But in the days that in between our meetings, every single day I go to the table and I make a few letters, I do my practice. ये बंद सिस्टम है ना, तो इसको जब तक हम रफली नहीं चलाएंगे जी, तो वो काम के टाइम भी हाथ नहीं चलेगा। नाउ लुक एट इट, जस्ट द वन सिंगल एक्ट ऑफ डिपिंग एंड देन राइटिंग, यू आर क्रिएटिंग दैट स्पेस, यू आर क्रिएटिंग दैट स्लो मूवमेंट, यू आर क्रिएटिंग दैट थॉट। स्लो, टेक स्पेस, रुक रुक कर, हर को पॉज करके रुक कर, और वो पॉज कहाँ से आ रहा है? मोमेंट आप हर वक्त अगर आप डिप करते हो उसी में आपने रोक लिया ना। इस्लाम में नेचर की जो चीज़ें हैं उनको रिपीट करना या उनको बनाना की पाबंदगी थी, तो इसलिए अक्षर उनके पास अवेलेबल थे या जो भी उनके पास में रिलीजियस मैसेजेस थे उनको रिकॉर्ड करने के लिए कैलीग्राफी एक बहुत बड़ा माध्यम बना। हिंदुस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर कैलीग्राफी जो है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ में उसका ज़्यादा एसोसिएशन किया गया, क्योंकि वहाँ पे इसको एज ए डिसिप्लिन ट्रीट किया गया। हमने जो खताती जो सीखी, किताबत सीखी है कि उनके पैमाइश होते हैं, कहाँ पे नोक पलक है, कहाँ मोटा करना है, कहाँ बारीक करना है, कहाँ पे हरूफ का जो शक्ल होगी, तो वही शक्ल को हम उसमें पेंटिंग में करते हैं कि वो देखने में खूबसूरत लगे।
कलर का प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। तो जैसे अब ये कुछ भी हमेशा जैसे बी लिखा हुआ ना यफ जी, अभी जैसे हम इसको जो बात कर रहे थे जी, ये ऐसा आया और इसको यहाँ लाएंगे, ये सीधा ले जा करके नीचे को फिर अप कर देंगे। अच्छा थोड़ा। अच्छा, so I've been learning for 1 year and I can tell that I'm a novice, but just having that art form in my life is an experience whose depth and whose impact on myself as a person, as a writer, I can only guess at. I mean, I realize that it is a strong impact. I don't know what the extent of it is, but it is something I'm extremely happy to have in my life. ये पानी के किनारे होता है और ये जो चीजें हैं ये रेत के किनारे रेतीले इसमें होता है, ये वाले जहाँ रेत ज्यादा हो होता है। और ये इस टाइप के लोग हमारे पहले जो है, ये कलर्स जो देख रहे हैं हम, इसमें इस टाइप के कलर को ईरान से लोग कलम मंगाया करते थे और यहाँ के स्टेशनर्स बेचते थे। ये कलम्स जो है जितने भी अलग अलग जगहों पर जाएंगे हम, हमें ये सब मिलता है। माय जर्नी विद इंक पेन स्टार्टेड इन 6th क्लास। जैसे हम लोग सीनियर स्कूल में जाते थे, फ्रॉम पेंसिल यू मूव इनटू द इंक पेन्स। दैट टाइम बॉल पेन्स एंड ऑल वर नेवर अलाउड, बट सिंस देन आई हैव ऑलवेज लव्ड इट। कैलीग्राफी में हम बहुत टाइम रंगों का यूज देखते हैं कि रंग किस तरह करते हैं। कुछ लोग बॉर्डर्स बना देते हैं, कुछ इनसाइड छोटे छोटे फ्लावर्स पत्तियां बेलबूट बनाते हैं, कुछ लोग लेटर्स को ही डांसिंग मूड दिए रखते हैं। ये अपनी अपनी चॉइस है। It was a very personal affair. It was a very quiet. At night, I used to sit and do. It was very me, my pen, my guru, and that's about it. Spiritual for me. It's a journey. I can't explain it. I can't explain what it means to me, and I can't even explain it what it means to me to find that expression, to find that connection. I mean, suddenly something I loved has found an expression, has found a medium for me to enjoy it. After learning that whole alphabets and the word and the language, I came back to the strokes. So there are in, and I deconstructed the strokes and then I started working with them. And what I found in the pen, which not the ordinary ink pens and all do, is gives me the dimension. जैसे आप ये देख रहे हैं ना, एक स्ट्रोक में आपका पूरा मूवमेंट आ गया है। ये जो स्ट्रोक्स है ना, एक एक स्ट्रोक्स है, सिंगल स्ट्रोक्स. But what it gives me in one stroke, I have got the depth, I have the movement, I have. Whereas if I had used the brush, I would have to create that, all that, na, the depth and all. So it is through that, and then I have used both my steel pen and the Sarkanda. Sarkanda, the lighter ones are all with that bamboo pen. The traditional one. So that gave the softness. Thank you.
हर आर्ट को नेचर से लिया गया है, और जितना भी म्यूज़िक है या दूसरा कुछ भी है वो कैलीग्राफी की तरह ही है। कैलीग्राफी भी एक बहुत ही अच्छे अंदाज में नेचर से लिया गया है। बहुत सारे लेटर हमारी दो आँख से बनते हैं, इस तरह चिड़िया के चंगुल से बनते हैं, पर से बनते हैं। मेरे हिसाब से तो सारे लेटर ऐसे बने हुए हैं जो कहीं ना कहीं नेचर से लिया गया है। और ये लेफ्ट से राइट को ले जाएंगे, यानी ये फाइव एलिमेंट्स को आप कभी भी बना दीजिए। फिर आप एक बार देखो यहाँ से, कोई भी स्ट्रोक जो है वो ऊपर से नीचे को बनाएंगे। आई थिंक द टफेस्ट थिंग इन कैलीग्राफी वो नोक लाना वो नोक आए नोक लाना, वो उसको सीधा करना, कितना आई मीन इट्स अ वेरी आई मीन ऐसे नहीं। ये चौथा हो जाएगा, फोर्थ नंबर है। तो कलम रखने का जो आपका ढंग है वो इसको पतला उसको मोटा करना है। Small, small things which made and that whole, you know, how to get that flow and that edit part and... क्या बोलूँ, वही कैलीग्राफी के बारे में ना। हाँ, हाँ, कुछ भी जो आपको लगता है। वो करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, उससे रोजी रोटी भी चलती है। हाँ। घर की दिक्कत भी होती है कभी, पैसे की आमदनी कम भी होती है कभी ज़्यादा भी होती है। हाँ, राज जानी जैल सिंह दिया था ना, अच्छा लगा, सबको खुशी मिली। इन्होंने तो फिर उसमें पार्टी भी करी थी, कुछ गांव के कुछ दोस्त यार को बुला के ऐसी चाय पानी ऐसी। किसी को उतना उससे लगाव नहीं है, ज़्यादा लगाव ही नहीं है, थोड़ा बहुत सीख के सब छोड़ दिया। शबनम ने भी सीखा, ये टीपू सुल्तान ने भी सीखा, बड़ा वाला शायद नहीं सीखा ना, आज़ाद ने नहीं सीखा ना, उसने नहीं सीखा, उसको उतना ये सबसे लगाव ही नहीं रहा सीखने के। इस पर अभी तक इसलिए नहीं सीखा क्योंकि मेरी स्टडीज़ भी थी, अभी मेरी ट्वेल्थ कम्प्लीट होने वाली है, तो शायद मैं भी इस आर्ट में जाऊँ। कैलीग्राफी में सीखना चाहती हूँ लेकिन उस आर्ट को आगे तक शायद मैं नहीं ले जा पाऊँगी क्योंकि जितना पापा ने कर काम करा है शायद मैं उतना नहीं कर पाऊँगी। जितना पापा में पैशन है उतना मुझ में नहीं है किसी, मतलब कैलीग्राफी के लिए मेरे माइंड में इतना कुछ नहीं है। लड़की के लिए प्रॉब्लम्स हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और शादी के बाद ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि घर को संभालते हो, बच्चे को संभालते हो, आप बाहर जाके वर्कशॉप अटेंड नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं है कि लोग कैलीग्राफी को नहीं सीखते हैं, सीखते हैं, लेकिन एज अ हॉबी सीखते हैं, क्योंकि हर इंसान अपना घर का खर्चा कैसे निभाएगा पैसे से, और जब किसी आर्ट में इतना पैसा ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा। अच्छा नाना को बता दो, आप नाना से क्या फोन में बात करोगे? नाना क्या बोलोगे? नाना को आजा। मेरा बेटा वैसे तो अभी बहुत ही छोटा है, अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब्बू के साथ ही ये कैलीग्राफी बिल्कुल मर ना जाए, तो मैं एज अ हॉबी अपने बेटे को इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगी आर्ट। कभी इतिहास का गौरव हुआ करता था कैलीग्राफी आर्ट, लेकिन आज जो है यही चीज़ मार्केट की चीज़ बन कर रह गई है, एक फैशन के तौर पे लोग इसको देख रहे हैं और सोच रहे हैं। कैलीग्राफर की ताकत कलम, कागज़ और इंक और प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस की ताकत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। फाइन आर्ट वालों की जिम्मेदारी बनती है कि फाइन आर्ट कॉलेजेस में कैलीग्राफी का प्रॉपर ढंग से कोर्स हो। ये मेरा पूरा यकीन है कि अगर सिर्फ 3 साल रेगुलर कहीं पर भी क्लास दे दी जाए तो वो 30 साल के बराबरी करेगा। मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर आर्ट कॉलेज में अप्लाइड आर्ट तो है, वहाँ टाइपोग्राफी तो हम सब सिखाते हैं, उसमें साथ 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 अगर कैलीग्राफी का भी एक सब्जेक्ट रखा जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों को कलम चलाना, ब्रश चलाना, जो जिस तरह से वो वील्ड करते हैं अपने ब्रश को कैलीग्राफर्स, तो उस तरह से वो अगर ब्रश चलाए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। हमारा जो यहाँ इवनिंग कोर्स है जिसमें हम कैलीग्राफी 1 साल के सिखाते हैं, इसमें हमने पहले रखा था 20,000 रुपये।